हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप के पीसीबी के ऊपर में रहेगा। दोस्तों मेरे पास एक इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है, उसी टॉपिक पे है। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, इस पीसीबी में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हो सकता है दोस्तों आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपको भी कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे पहले वीडियो को पूरी कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट था जब मेरे पास आई थी, तो इसका पावर सप्लाई खराब था। पावर सप्लाई में दोस्तों यहाँ पे इसका कैपेसिटर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और इसका दोस्तों यहाँ पे डायोड जो देख रहे हो यहाँ पे दो डायोड खराब थी, और इसकी दोस्तों पावर आईसी होती है, पावर आईसी भी शॉर्ट हो गई थी। ओके, उससे दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा रहता है, ये भी आपका ओपन हो गया था। मैंने चारों पांचों कंपोनेंट को यहाँ पे लगा दिया। वो यहाँ पे दोस्तों जो स्विचिंग आईसी होती है, यहाँ पे दोस्तों इसका जो नंबर था वो अलग था। मैंने यहाँ पे वाइपर 12 लगाया है, और वाइपर 12 की दोस्तों जो सर्किट होती है, जो वाइपर 12 को यहाँ पे कौन कौन सी कंपोनेंट लगानी पड़ेगी तो वाइपर 12 आईसी काम करता है, उस सर्किट को मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। यहाँ पे दोस्तों कैसे डिजाइन किया, यहाँ पे एक मैंने FR260 डायोड लगाया हुआ है, जो पहले से यहाँ पे डायोड नहीं थी। और इसका जो फीडबैक के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 18 वोल्ट का जीनर लगाया था, जो पहले यहाँ पे जीनर नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे वाइपर वाला आईसी लगाने से हमारा सर्किट काम करना शुरू हो गया। अब हमको दोस्तों इस पावर सप्लाई सेक्शन में दो सप्लाई की जरूरत पड़ती है। पहला दोस्तों हमको फैन के लिए 18 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो डायोड आप देख रहे हो, एक आपका 18 वोल्ट का है और एक 9 वोल्ट का है। 9 वोल्ट से दोस्तों हम 5 वोल्ट बनाएंगे, और 5 वोल्ट से दोस्तों हम इसके माइक्रो कंट्रोलर जो MCU होती है, ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में है, इसको हम ऑन करेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले हम तो 5 वोल्ट और 18 वोल्ट यहाँ पे बना रहे हैं। आपको मैं कन्फर्म करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। पहले यहाँ से सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद दोस्तों अभी हमको यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट है और ग्राउंड है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से मैं ग्राउंड ले लेता हूँ, और यहाँ से आपको 5 वोल्ट दिखा रहा हूँ मैं। तो आप मीटर पे फोकस करेंगे तो 5 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। 5 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे 18 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप मीटर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 18 वोल्ट के करीब में यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये दोनों सप्लाई मिलने के बाद में हम यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाएंगे। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। मैंने सप्लाई दिया। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमारा डिस्प्ले में बकायदा लाइट आ गई और एक बजर की आवाज आ गई। इसका मतलब आप समझते होंगे माइक्रो कंट्रोलर सही है, इतना तो आप तो समझते होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी यहाँ से क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन आ गया डिस्प्ले में। ऑप्शन देंगे हम यहाँ पे 2000 वाट आ गई। ओके, अब 2000 वाट आ गई, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आप समझेंगे कि हमारा पीसीबी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ देर के बाद में E5 का एरर कोड आ रही है। अब इसमें E5 का एरर कोड इसलिए आती है क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसका फेन अगर नहीं लगाओगे तो E5 का एरर कोड आता है। इसलिए इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में ऐसा सिस्टम देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फेन खराब हो जाती है और आपका इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप ऑन हो जाता है, और इसके ट्रैक से हमारा एक 2000 वाट का फिलामेंट बोल सकते हैं क्वाइल जुड़ा रहता है, और क्वाइल ओवरहीट होके आपका पीसीबी और कवर को डैमेज कर सकता है। इसके नाम से हमको यहाँ पे फैन का फीडबैक देते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों मैं फैन लगा देता हूँ एक बार, और फैन लगाने के बाद दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि हमारा फैन भी ऑन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फैन भी ऑन हो रहा है। अब हमारा E5 का एरर कोड नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी आपको मैं बताना चाहता हूँ। देख सकते हैं डिस्प्ले बंद हो जा रही है। यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्प्ले बंद हो जा रही है। ऐसा क्यों, आप समझेंगे पावर सप्लाई खराब है, क्योंकि डिस्प्ले जैसे फैन लगा रहे हैं तो डिस्प्ले बंद हो जा रही है। पहले E5 का एरर कोड आती थी। तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें दोस्तों तीन ऑप्शन है इसके अंदर में। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ एक आईसी लगी हुई है। अब तीन ऑप्शन कैसे, पहला तो दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले लगा हुआ है 7 सेगमेंट का 4 डिजिट का, इसको आपको ऑन करेगा।
जो ड्राइवर आईसी होती है, दूसरा दोस्तों इसका जो टच होती है, टच का जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो आपका माइक्रो कंट्रोलर से और दोस्तों अलग से टच आईसी लगानी पड़ती है, और तीसरा दोस्तों जो PWM होता है जो पल्स जनरेट होगा जो ट्रैक को ऑन करने के लिए, फैन का सिग्नल करने के लिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो जीरो क्रॉसिंग होती है उसको यहाँ पे सेंस करने के लिए जितने सारे इनपुट और आउटपुट माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल चाहिए उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक आईसी में तीन ऑप्शन है। अभी दोस्तों कन्फर्म करने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों क्या होता है कि आप जब आएगा आपके पास में तो आप पावर सप्लाई को रिपेयर करते रहोगे, खोजते रहोगे, जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में बहुत टाइम लगाया कि पावर सप्लाई को दिक्कत होगी क्योंकि ड्रॉप कर रही थी, प्रॉब्लम समझने से। एक बार और आपको समझा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक बार और क्लियर आपको समझा दूँ तब प्रॉब्लम आपको बताऊँगा, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम भी आती है क्या। तो हम एक बार और आपको सप्लाई दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से ऑन करूँगा, आप डिस्प्ले पे फोकस करेंगे, हमारा फैन ऑन होगा, अब डिस्प्ले पे फोकस करेंगे। मैंने लोड अभी नहीं दिया है, किसका लोड, क्वाइल का लोड, अभी हमारा फैन रनिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे फोकस करेंगे, आप देख सकते हैं ऐसा डिस्प्ले बंद हो जा रही है। ओके, तो इससे देखने से आपको लगेगा कि आपका समझ लो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होगी, तो पावर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अलग से पावर सप्लाई लगा के भी देख डाला। इसका जो मेन प्रॉब्लम है इसकी माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम, यानी समझ लो AEMCU IC का, वो कैसे, देखिए आपको मैंने क्या बताया कि हमको 5 वोल्ट चाहिए, किसके लिए, इसके लिए, मैंने यहाँ पे आपको 5 वोल्ट बना के दिखा दिया। अब यही 5 वोल्ट दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आनी चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पे आती है, तो कैपेसिटर में भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगती है, पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव में 5 वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं सप्लाई देता हूँ, और सप्लाई देने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे एक कैपेसिटर है, हम इस पर चेक करते हैं डायरेक्ट, तो अभी आप देख सकते हैं 4.6 वोल्ट करीब में आ रहा है। ओके, पहले हमारा क्या आ रहा था, 5 वोल्ट आ रहा था, यहाँ पे 4.6 आ रहा है, आपको लगे कि हमारा वोल्टेज समथिंग सही है। देखिए कोई सा भी माइक्रो कंट्रोलर हो इंडक्शन कुकटॉप का, तो उसको चलने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी हो सकता है शॉर्ट हो, कन्फर्म नहीं बोल सकते। अब कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप इस आईसी का VCC पिन कौन सा है और VSS पिन कौन सा है, यानी VCC करने मतलब 5 वोल्ट पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी समझ लो 5 वोल्ट का पॉजिटिव होगा और एक ग्राउंड होगा, उसको आप खोजोगे, तो खोजोगे तो आपको इसके डेटा शीट के हिसाब से नहीं मिलेगा, फिर ट्रैक को चेक करोगे, तो अभी आप करोगे क्या, मल्टीमीटर को रखोगे दोस्तों रेजिस्टेंस मोड में। ओके, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखोगे, और दोस्तों अभी आपका जो कैपेसिटर था निगेटिव और पॉजिटिव, वहां पे आप चेक करोगे, रेजिस्टेंस चेक करना है आपको फिलहाल, तो यहां पे चेक करोगे तो आपको यहां पे देख सकते हैं 0.17 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, कितने का, 0.17 ओम, यानी 1 ओम से भी यहाँ पे दोस्तों कम की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ओके, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है जो आपका यहाँ पे ओम की वैल्यू आ रही है, यानी समझ लो शॉर्टिंग की वैल्यू, शॉर्टिंग बन रही है, तो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि इसका माइक्रो कंट्रोलर आईसी है दोस्तों शॉर्ट हो गया है। आप बोलोगे सर शॉर्ट हो गया है तो फिर ये ड्रॉप क्यों हो रहा है, वोल्टेज पूरा क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, तो दोस्तों देखिए आपको मैंने क्या बताया कि इसके अंदर में इनपुट और आउटपुट पिन होती है। अब ये नहीं बोल सकता कि मैं 5 वोल्ट जो VCC है और ग्राउंड है वो शॉर्ट हो गया हो, क्योंकि हो सकता है कुछ इनपुट डेटा वाला पिन शॉर्ट हो गया हो, या दोस्तों कुछ आउटपुट करने वाला पिन शॉर्ट हो गया हो, तो कंफर्म करने के लिए इसका डेटा शीट को आपको खोजना पड़ेगा और उसके बाद कंफर्म करोगे। ओके, तो इसको दोस्तों आईसी को बाहर निकाल के कौन सा पिन आपका पॉजिटिव है कौन सा पिन नेगेटिव है उसको डायरेक्ट कन्फर्म करना है। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखो या दोस्तों डायोड में रखो, ये दोनों में रख के आप यहाँ पे कंफर्म चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया आईसी खराब है, अगर आपको लगता है कंफर्म करना है
तो आप आईसी को बाहर निकाल के ही चेक करके कंफर्म करना, ये नहीं कि ऐसा आप कंफर्म कर लिए और कस्टमर को दे दिए। कभी कभी हो सकता है पीएफ भी शॉर्ट हो जाती है, कभी कभी ये वाले कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाती है, कभी कभी ये पीएफ भी शॉर्ट हो जाती है। तो कंफर्म करने के बाद ही कस्टमर को वापस किए करो। आपके पास आईसी होता है तो आप लगा दिए करो, आईसी नहीं होता है तो बाकायदा इस पर लिख दिए करो कि इसका आईसी खराब है। कहीं भी जाएगा कोई भी रिपेयर करके देखेगा, पहले देख लेगा कि आईसी खराब है तो वो भी चेक करेगा, उसको लगे कि हाँ आईसी खराब है तो पता चला कि हाँ जहाँ पे भी गया था वहाँ का मैकेनिक अच्छा था। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए।